Hello everyone, this is Ashijan. I hope everyone must be doing well. So students, this is a last video on capital gain. So I know this is a very hectic situation for all of you. So you just need to keep patience and must do very carefully. So now let's start with the last session, that is session 55, which talks about the self-generated assets. देखिए सर, कॉन्सेप्ट क्या है कोई मैसेज एक्स है एंड ही इज रनिंग अ वेल रेप्यूटेड बिजनेस फॉर 20 इयर्स। बहुत अच्छे से वो बिजनेस रन कर रही है, ठीक है, एंड शी हैज अर्न अ लॉट ऑफ रेपुटेशन इन द मार्केट। रेपुटेशन समझते हो आप, ठीक है, बट अगर हम इसको अकाउंटिंग टर्म में पढ़ें तो इस रेपुटेशन को हम बोलते क्या है, गुडविल। दैट मीन्स शी हैज अर्नड गुडविल बाय रनिंग दिस बिजनेस इन द मार्केट एंड ऑब्वियसली शी हैज पुट इनफ efforts to run this business, बहुत hard work किया उन्होंने, that's why she has earned this goodwill. Now due to some reason she is going to sell off this business. Sell off this business in 2019 for rupees, मान लीजिए अगर पूरा बिजनेस अगर रन हो रहा है, सपोज 130 करोड़ में वो सेल ऑफ हो रहा है, ठीक है, बट दिस अमाउंट इंक्लूड्स 10 करोड़ फॉर गुडविल। देखिए अगर बिजनेस जाएगा तो साथ में गुडविल हो जाएगी, ठीक है ना। तो मिसेज एक्स है जिन्होंने 20 साल तक उस बिजनेस को अच्छे से रन किया, नाउ इन 2019 शी इज गोइंग टू सेल ऑफ दिस हर बिजनेस ऑफ रुपीज 130 करोड़ एंड आउट ऑफ 130 करोड़ दिस अमाउंट इंक्लूड्स 10 करोड़ एज गुडविल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, नाउ यू नो वेरी वेल दैट दिस गुडविल इज अ कैपिटल एसेट। ये एक कैपिटल एसेट है सर, कैसे पता चला हमें, हमने पढ़ा था सेक्शन 214 में, एनी काइंड ऑफ कैपिटल एसेट टेंजिबल इंटेंजिबल बिजनेस और नॉन बिजनेस रिलेटेड, ठीक है। दैट मीन्स दिस कैपिटल एसेट ऑल्दो इट इज अ इंटेंजिबल एसेट बट दिस इज कवर्ड अंडर 214, सो दिस इज अ कैपिटल एसेट। सो कैपिटल एसेट होगा दैट मीन्स देयर विल बी अराइज ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। सो देखिए अगर अराइज हो तो देखिए कैसे करोगे उसको, आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, देखिए सेल कंसिडरेशन इक्वल टू 10 लाख, ठीक है, लेस से करोगे आप आई सी ओ आई, बिकॉज देखिए 20 साल बाद बिजनेस बेचते हो। अब इसमें क्वेश्चन ये रोजगार है कि आप इसको गुडविल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी क्या, बिकॉज आपने गुडविल खरीदी नहीं है, ये मिसेस एक्स ने ये गुडविल खरीदी नहीं है, शी हैज़ अर्नड बाय हर हार्ड वर्क, उसने खरीदी नहीं है, सो दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अमाउंट विल बी नेल। सो ओवरऑल जो एल टी सी जी आएगा वो कितना आएगा, 10 लाख, ठीक है। सो इस केस में दैट मीन्स अगर कोई भी कैपिटल एसेट जो कि अर्नड नहीं हुई तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और although it's a self generated, so that means the cost of acquisition value will be nil, ठीक है। सो देखिए इसमें आपको मैं एक टेबल बताता हूँ जिसमें आपको एक सिंपल फॉर्म में आपको सबको समझ आएगा कि पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। सेक्शन 55 आपको ये 7 टाइप्स ऑफ एसेट दी हुई है, देखिए ध्यान से, गुडविल ऑफ ए बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, राइट टू कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन,
टेनेंसी राइट्स, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, रूट परमिट, ब्लू मार्क्स। दीज टाइप ऑफ सेवन जो एसेट हैं इनको क्या बोला हुआ है, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स। ठीक है, सो देखिए इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्या बोला। देखिए पहले बात करते हैं गुडविल ऑफ ए बिजनेस। गुडविल ऑफ ए बिजनेस जैसे हमने भी एग्जाम्पल लिया, अगर ये सेल्फ जनरेटेड बिजनेस है तो इसकी एक्विजिशन वैल्यू कितनी होगी, नील। और अगर इसको परचेज किया, सब परचेज कैसे होगा, मान लीजिए यही सेम बिजनेस एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ये किसको भेजी है, किसको बेची है, मिस्टर जेड को। अब मिस्टर जेड ने यही सेम बिजनेस जो है सेल ऑफ कर दिया, ठीक है, तब उसमें गुडविल की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, मान लीजिए 40 लाख कि उसने गुडविल बेच दी। बट उसके केस में तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई ना, सॉरी मैंने यहाँ पर 10 में लिख दिया, ये 10 करोड़ होगा। चलो मैं एग्जाम्पल यहाँ पर 10 लाख ही लिखूंगा, ठीक है। सो मिस्टर जेड ने ये जब यही सेम बिजनेस सेल ऑफ किया फिर कभी फ्यूचर में, तो इसकी गुडविल की जो अमाउंट है वो कितनी है, 40 लाख। तो ये उसके लिए सेल्फ जनरेट गुडविल नहीं है, ठीक है, वो तो उसके जो प्रीवियस ओनर था उसकी गुडविल थी जो कि उसने खरीदी थी 10 लाख रुपये में, ठीक है। तो ये परचेज हुआ तो ये सी ओ एस के लिए क्या क्या जाएगा, 10 लाख, ठीक है। सो अगर सेल्फ जनरेट है दैट मीन सी ओ ए विल बी नील, परचेज किया है तो जितना एक्चुअल प्राइस है वही लेंगे। इम्प्रूवमेंट हमेशा नील रही, अब इसमें इम्प्रूवमेंट क्या होगी, क्योंकि तो हमने पढ़ा था इंडेक्सेशन या फिर अगर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेते हैं तो क्या लेते हैं, कौन सी इम्प्रूवमेंट लेते हैं, कैपिटल नेचर की। अब इसमें गुडविल में तो कुछ इंक्रीमेंट तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसमें हमेशा आपका नील ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, सपोज इफ एनी एसोसिएट इज डूइंग सम एनी काइंड ऑफ रिसर्च वर्क, ठीक है, एंड ही हैज़ डेवलप्ड सम यूनिक फॉर्मूला जो कि किसी को पता ही नहीं है, एंड तो इसका राइट जो किस पे है वो उस पर्टिकुलर पर्सन पे है। सो उसने क्या करा, उस फॉर्मूले का उसने क्या करा लिया, कॉपी राइट करा लिया। तो इसी को बोलते हैं हम राइट टू मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस उसने बनाया, ठीक है। तो अगर उसको कॉपी राइट कर लिया तो उसमें जो उसने नाम कमाया दैट इज गुडविल, तो सेल्फ जनरेटेड तो नील होगा, एक्चुअल परचेज किया है तो एक्चुअल परचेज प्राइस, इम्प्रूवमेंट ऑलवेज नील, ठीक है। थर्ड राइट टू कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि आप ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन रन कर रहे हो जिसमें सिर्फ आप ही का राइट है और किसी का नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स आपने उसका लाइक कॉपीराइट दे रखा है, सब कुछ दे रखा है कि आप ही नाम का बिजनेस है। और अगर उसको बेचते हो, अगर सेल्फ जनरेट है तो नील लेना है, परचेज किया है तो एक्चुअल परचेज प्राइस, इम्प्रूवमेंट है तो ऑलवेज टेक नील, इम्प्रूवमेंट पॉसिबल ही नहीं, ये राइट है, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, देखिए जो मैंने फोर्थ में जो अलग कलर किया दैट इज ब्लू पोर्शन, देखिए इसमें कुछ अलग है, इस ताकि मैंने आपको ये डिफरेंस ऐसे बता रखा ताकि आपको याद करने में इजी है। देखिए फिफ्थ पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट, टेनेंसी राइट्स। टेनेंसी राइट्स होता क्या है वैसे, देखिए मान लो कोई टेनेंट है वो एक प्रॉपर जो रेंट पे रह रहा है, सपोज वो 15-20 साल से रह रहा है, एंड सम हाउ लैंडलॉर्ड को वो घर खाली कराना है बिकॉज बहुत सालों से रह रहा है वो। सो अब टेनेंट को जो है अचानक से वो घर खाली कराना है जबकि वो पुराना, काफ़ी पुराना उसका जो है लैंडलॉर्ड है। सो उस केस में उस घर को खाली कराने के लिए लैंडलॉर्ड उसको क्या देता है, टेनेंट को टेनेंसी राइट देता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बैगिन कराने के लिए। तो इसी को बोलते हैं हम टेनेंसी राइट्स। सो अगर टेनेंसी राइट सेल्फ जनरेटेड है तो नील, परचेस कहते हैं परचेस प्राइस, और यहाँ पर जितना इम्प्रूवमेंट हुआ है वो लेना है, ठीक है। अब देखिए घर में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कैपिटल से रिलेटेड तो वहाँ पर वो कुछ ले सकता है अगर एसेसरी ने कराया है, ठीक है। सिर्फ फिफ्थ वन इज ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क आप अच्छे से याद है पता है आपको। सो इन दिस केस ऑल्सो सेल्फ जनरेटेड एसेट विल बी नील, इन केस ऑफ परचेज एक्चुअल परचेज प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विल बी टेकन। रूट परमिट, रूट परमिट क्या होता है, देखिए जैसे कहता है कि कुछ सम स्पेसिफिक एरिया में
गवर्नमेंट को कुछ परमिट्स ही होता है, लाइक सपोज फॉर द कमर्शियल व्हीकल, जैसे बस हो गए, ट्रक हो गया, टैक्सी हो गई। तो उस केस में क्या होता है, कुछ परमिशन चाहिए होती है कि अगर कोई कमर्शियल व्हीकल जो है यहाँ से अगर जाना है इस पर्टिकुलर रूट में, तो उसको एक कहते हैं परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की, तो उसको बोलते हैं रूट परमिट। ठीक है, सो अगर वो सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट वेरिफिकेशन किया कि नहीं, परचेज किया है तो एक्चुअल परचेज प्राइस, और जितना इम्प्रूवमेंट किया है वो कंसिडर करेंगे। देन लोमास, लोमास क्या होता है सर? देखिए लोमास में क्या होता है, सपोज यू आर रनिंग अ बिजनेस एंड यू हैव अ मशीन। अब मान लीजिए नॉर्मली देखिए फैक्ट्री जो है 8 से 12 घंटे चलती है, मान लीजिए 12 घंटे चलती है, बाकी 12 घंटे नहीं चलती। अब मान लो सपोज एक और आपके उसी एरिया में एक और फैक्ट्री है जो कि उसी सेम लाइक उसमें आपको बहुत अच्छा फ्रेंड है एंड ही इज बेसिकली आस्किंग फॉर योर मशीन। सो आप क्या करते हो उस मशीन को यूज़ करने के लिए, आप क्या करते हो उस पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि लोमास मीन्स उस लेजर टाइम में, यानी उस टाइम पे जिस टाइम पे उस फैक्ट्री में आपकी मशीन नहीं चल रही, बाकी टाइम मशीन फ्री है, तो आप 4 घंटे के लिए वो मशीन किसी और को राइड के लिए दे देते हो, उसको बोलते हैं लोमास। ठीक है, सो लोमास अगर सेल्फ जनरेटेड तो दैट मीन्स नील, परचेज किया है तो एक्चुअल परचेज प्राइस, इंप्रूवमेंट है तो एक्चुअल इंप्रूवमेंट कॉस्ट। ओके, अब नोट पढ़ते हैं। एनी अबव एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 द ऑप्शन ऑफ एफ एम वी शैल नॉट बी एप्लीकेबल। यानी कि ऊपर जितने भी हमने 4 सॉरी 7 जो हमने एसेट पढ़ी हैं, दिस आर कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, अगर वो एक्वायर 2001 से पहले की गई तो उसकी एफ एम वी को जो ऑप्शन मिलता है विच इज हायर एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, वन मोर थिंग, एनी अदर एफोरसेड एसेट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन। दैट मीन्स इनकम टैक्स के लॉ के अकॉर्डिंग यही 7 जो हैं वो सेल्फ जनरेटेड एसेट बाकी नहीं हैं, तो बाकी क्या हो जाएंगे? सो दैट मीन्स ऑल अदर टाइप ऑफ एसेट आर विल बी सॉरी विल बी टोटली एग्जेम्प्टेड, फुल एग्जेम्प्टेड, एक्सेप्ट, देखिए राइट में लिखा हुआ है एक्सेप्ट बोनस शेयर एंड राइट एंटाइटलमेंट्स। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, ठीक है, अगर वहाँ से आपको बोनस शेयर मिलते हैं तो बोनस में आपको क्या, देखिए आपको कुछ एक्विजिशन आपको मिली नहीं, सेल्फ जनरेटेड है तो ऑल्दो इट्स अ, ये क्या है आपका सेल्फ, ये क्या है आपकी सेल्फ जनरेटेड एसेट है। ठीक है, तो उसको छोड़कर एंड राइट एंटाइटलमेंट छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो भी कैपिटल एसेट होगी, ठीक है, जो कि सिमिलर होगा सेल्फ जनरेटेड से, तो वो सब क्या होंगी, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ठीक है, सो वह बहुत इजी है, बस आपको बहुत अच्छे से याद करना है, मैंने आपको कलर करके अलग अलग डिफरेंट करके याद कर, आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूट द कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ मिस्टर आर हु हैज ट्रांसफर द फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। नेम ऑफ द एसेट गुडविल ऑफ ए बिजनेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, एफ एम बी 40,000, फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन 4 लाख। अच्छा, तो देखिए गुडविल ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे, देखिए सेल कंसेशन क्या क्या हो जाएगा 4 लाख, कॉस्ट ऑफ वैकेशन क्या होगा नील, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वैकेशन क्या होगा नील रहेगा, क्योंकि देखिए ये आपको ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये परचेज नहीं किया, ये सेल्फ जनरेटेड बिजनेस है। ठीक है, नेम ऑफ द एसेट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स। ठीक है, तो गुडविल ऑफ बिजनेस में देखिए सी ओ ए क्या होगा, नील होगा, क्योंकि पहले तो सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी वैल्यू वैसे भी कुछ नहीं होगा, और एफ एम वी तो हमें लेना ही नहीं है, तो जितना भी वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, टेनिस राइट सेम टेनिस राइट में भी सेम, रूट परमिट में सेम होगा, शेयर एक्वायर्ड किए तो इसमें देखिए मान लीजिए
मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट रुपीज ₹45,000, चलो 65,000 कर देते हैं, वैल्यू ग्रेड डाउन हो गई। ठीक है, तो देखिए इस केस में देखिए कैसे होगा। गुडविल, करेंसी राइट्स, रूट परमिट, एंड शेयर्स। देखिए शेयर्स कंसिडरेशन क्या होगा इन स्टेज, फोर लैख, सिक्स लैख, फाइव लैख, फोर लैख। नाउ वी विल डिडक्ट इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बिकॉज सब में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आ रही है। इसमें कितना होगा मिल, इसमें नील, इसमें नील, बट इसमें हम वैल्यू कंसिडर करेंगे कितनी, 65,000 में एक्वायर की थी, तो अभी इसको 2019 में, 99 में पहले से तो हम सी आई ले नहीं सकते, तो बेस क्या होगा लेके चलेंगे 100, विच कम्स टू अमाउंट इन रुपीज 1,87,550। Which comes to amount of rupees 2,12,450। ये पूरा ही जो है टैक्सेबल हो जाएगा। LTCD, दैट्स इट। सो क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 55। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड अनदर चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज कैपिटल गेन। सो क्लास प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यू मे ऑल्सो फॉरवर्ड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स इन अदर कॉलेज ऑल्सो। सो थैंक यू।